हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट दी नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन मीन्स ऑल द नेमिंग वर्ड्स, मतलब जब किसी शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। नाउन एग्जांपल अगर देखते हैं देन महात्मा गांधी, राइट, महात्मा गांधी, गंगा, दिज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नाउन। ओके, नाउ सी वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज आवर व्यक्तिवाचक मीन्स प्रॉपर नाउन, जातिवाचक मीन्स कॉमन नाउन, भाववाचक मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेक्स्ट द्रव्यवाचक मीन्स मटीरियल नाउन, नेक्स्ट इज आवर समूहवाचक दैट इज कलेक्टिव नाउन। ओके, नाउ सी द वेरी फर्स्ट वन अबाउट द व्यक्तिवाचक, मतलब प्रॉपर नाउन। जब किसी शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक बोलेंगे। ठीक है, जैसे राम, ठीक है, राम कहाँ रह रहा, रोह में रह रहा, मीन्स राम इज स्टेइंग इन रोह। तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, और रोह जो है एक खास जगह का नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ ए यस स्पेसिफिक प्लेस, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट वन दैट इज जातिवाचक। जब किसी शब्द से किसी जाति का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। ओके, नाउ सी द एग्जांपल देयर, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाओ एनिमल बीइंग। ये सब क्या है, जातिवाचक का एग्जांपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट सी भाववाचक मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब किसी शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण के बारे में मालूम पड़ता है, जैसे कोई एग्जांपल लो, आयरन, राइट, आयरन, आयरन ये क्या हो जाएगा, एक कोई मटेरियल है, राइट, और अगर इसका स्टेट अपन देखेंगे देन आयरन इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट में आयरन फाउंड करता है। तो ये जो सॉलिड है ना, वो क्या आ जाएगा, भाववाचक आ जाएगा, मतलब कि किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की अवस्था के बारे में मालूम होता है हमें। ओके, नाउ नेक्स्ट सी अबाउट द द्रव्यवाचक, मतलब मटीरियल नाउन। ये भी क्या है कि किसी वस्तु का स्टेट के बारे में अपने को मालूम पड़ता है, उसका प्रकार के बारे में मालूम पड़ता है। अगेन यू टेक देयर एग्जांपल, एयू मतलब गोल्ड, राइट, गोल्ड, ठीक है। अब देखो ये जो गोल्ड है कौन से स्टेट में मिल रहा है, ऑफकोर्स सॉलिड में मिल रहा है। अगर हम इसको इसका मटीरियल के बारे में मालूम करना चाहते हैं देन गोल्ड जो है एक क्या है, मेटल है, राइट। तो जो मेटल हो जाएगा वो क्या, किसका एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज द्रव्यवाचक का, मतलब मटेरियल नाउन का। ओके, नेक्स्ट समूहवाचक, समूहवाचक मींस कलेक्टिव नाउन, राइट, कलेक्टिव नाउन। इससे किसी सेना, झुंड या परिवार आदि के बारे में पता चलता है, सेना, झुंड या परिवार के बारे में। जैसे अगर हम अपन कह सकते हैं कि SJS फैमिली, यस, तो ये फैमिली के बारे में किस, यस, जो SJS है वो एक फैमिली के बारे में बता रहा, मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं SJS का, सेंट जोसेफ स्कूल के सारे मेंबर्स किस में आएगा, एक SJS फैमिली में आएगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ समूहवाचक, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। ओके, थैंक यू क्लास।